हेलो फ्रेंड, मैं आपको आज ये झल्लर ख़राब हो जाती हैं, जो इस तरीके की झल्लर होती हैं इसे बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, झल्लर तीन प्रकार की होती हैं। पहली दोस्तों, एक तो ये हो गई जो डायरेक्ट अपनी लाइट में बोट में लगा के जला सकते हैं, और दूसरी दोस्तों ये भी रहती है बोट में लगाते हैं, लेकिन इसमें ये छोटी डिब्बी होती है, ये आरजी बल्ब होती है, एक बल्ब में दो कलर होते हैं। और दोस्तों ये डायरेक्ट होती है, ये कांच की होती है। तो ये दोस्तों आप काफ़ी यूज करते हैं लोग वहाँ लंबी लंबी कमरे डालने के लिए। और तीसरा दोस्तों ये होती है। तो मैं आपको आज इस झल्लर को कैसे सुधारते हैं अगर ये ख़राब हो जाती है तो ये बताऊंगा। और इसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा इस तरीके की झल्लर को कैसे बनाते हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके बाद बताऊंगा दोस्तों इस तरीके की झल्लर को कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस तरीके की झल्लर को इसे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, इसे मैं चेक करता हूँ तो देखिए ये जल नहीं रही। और दोस्तों इसको चेक करके दिखाता हूँ, ये झल्लर चालू है। तो देखिए दोस्तों, ये झल्लर चालू है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ इस झल्लर को बनाने के लिए आपको किस किस सामान की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो सुई चाहिए, छोटी वाली। दोस्तों दो सुई चाहिए आपको, छोटी वाली। और ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों एक ब्लेड चाहिए। और तीसरा दोस्तों आपको ये मल्टीमीटर चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो तो दोस्तों आप इसे सीरीज से भी सुधार सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा कि सीरीज से आपको कैसे बनाना है, और मैं इस वीडियो में भी कोशिश करूंगा आपको बता दूंगा। अगर दोस्तों आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो तो आप इसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं कि आप बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये झल्लर है। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब। और बल्ब के बगल से दोस्तों ये यहाँ डोरी पे, यहाँ पर आपको एक सुई लगानी है डोरी के बगल से। दोस्तों डोरी के जस्ट बगल से आपको सुई लगानी है, ऐसे अंदर तक आपको इसको घुसेड़नी है जहाँ तक घुस सके। दोस्तों आपको ये सुई लगा दी मैंने। और दोस्तों इस मल्टीमीटर को बजर मोड पे आपको सेट करना है। तो दोस्तों मैंने बजर मोड पे सेट कर दी। और दोस्तों यहाँ से आपको ये चेक करना है, सबसे पहले यहाँ से एक इसमें ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ऐसे देखिए दोस्तों इसमें बीप की आवाज़ आ गई है। अगर दोस्तों अपन जैसे कि अपन ने इस पे लगाया तो ये बीप की आवाज़ आ गई, अगर अपन इस पे लगाएंगे तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों अपन यहाँ पे इसको चेंज करके देख लेंगे, ये बीप की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये डोरी सही है। अब इस सुई को यहीं पे लगे रहने देते हैं, और अपन धीरे धीरे दोस्तों इसको जैसे एक दो बल्ब छोड़ के अपन इसको इसी तरीके से चेक करते हुए चले जाएंगे। और दोस्तों अपन को डायरेक्ट लास्ट के बल्ब में नहीं लगाना है, अगर लास्ट के बल्ब पे अपन लगाएंगे तो ये बीप की आवाज़ नहीं करेगा। तो जैसे दोस्तों अपन ने छोड़ दिया, एक यहाँ पे सुई लगी हुई है, 1 2 3 4 अपन ये मतलब आपको जहाँ अच्छा लगे चौथे पांचवे बल्ब में आपको यहाँ पर ये लगाना है। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी डोरी भी नहीं कटेगी और अपनी झल्लर भी चेक हो जाएगी। दोस्तों सुई लगा ली, अब इसमें यहाँ पर इस सुई पर चेक करना है और देखेंगे यहाँ पे बीप की आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आ रही, तो अपन इसको और एक और बल्ब के बगल से पास में ले जाएंगे इसे। ये देखिए यहाँ पे पास में ले गए, और फिर अपन दूसरे सुई पर इसे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आवाज़ नहीं आ रही, तो दोस्तों अपन इसको और पास ले जाएंगे और यहाँ पर इसे चेक करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस पर सिर्फ बीच में एक बल्ब है और बाकी अपन पास में आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही, जो अपन ने आगे लगाया है उसको पास में लेते हुए आएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इसको अपन चेक करेंगे, यहाँ पर अपन इसको चेक करना है। तो यहाँ पर अपन ने सुई लगाई,
और यहाँ से इसे चेक किया तो दोस्तों यहाँ पर भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों अब अपन इसी बल्ब के बगल से जो दो पॉइंट होते हैं तो अपन दोनों पॉइंट के बगल से इसी में इस पे यहाँ पर इसे लगाते हैं और फिर अपन इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये बल्ब सही है, इसमें से अपन एक सुई निकाल लेंगे। अब अपन इसे दोबारा से इसे चेक करेंगे। दोनों सुई दोस्तों यहाँ पर लगाना है क्योंकि यहाँ पर आवाज़ आ रही है और यहाँ से आगे जा नहीं रही थी, इसलिए दोस्तों अपन यहाँ पर इसे दोनों सुई यहीं पर लगाएंगे। तो दोनों सुई अपन यहीं पर लगाते हैं और देखते हैं कि आवाज़ आती है या नहीं आती है। थोड़ा टाइम लग गया और सुई बिल्कुल दोस्तों सही तरीके से लगाना है। और दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर ये आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब अपना ये वाला बल्ब ख़राब है। तो ये वाला बल्ब ख़राब है, अपन इसको चेक करते हैं। सबसे पहले से अपन इस प्लग को इस बोर्ड पे लगाते हैं, इस बोर्ड पे यहाँ पर लगाते हैं और दोस्तों अपन इसको यहाँ पर ये दोनों सुई को आपस में टच करना है लेकिन हाथ नहीं लगाना है। दोस्तों अपन ने यहाँ पर इसे इसे चेक करते हैं, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। इसी तरीके से अपन को आगे और चेक करते रहना है। तो दोस्तों आपने देखा इस बल्ब में ये आवाज़ नहीं आ रही है, ये तो आ रही है बस यहाँ पर। दोस्तों फिर इसे आगे का बल्ब चेक करना है, दोस्तों ये सही है, शायद सुई सही नहीं लगी होगी। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं और चेक करते हुए चलते हैं सभी को। तो ये देखिए दोस्तों बीप की आवाज़ आ रही है, अपन इधर इसको इकट्ठा करते जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी बल्ब चेक कर लेना है धीरे धीरे। मैं चेक कर लेता हूँ फिर जो बल्ब ख़राब होगा मैं उसे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों शायद सुई वहाँ पर सुई सही नहीं लग पाई होगी, तार से नहीं चुभ रहा होगा। यहाँ पर भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों अपने ही यहाँ तक डोरी चेक हो गई है, धीरे धीरे करके चेक करना है। और दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि जैसे कि 8-10 बल्ब एक साथ छोड़ के चेक करोगे तो ये आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें
बैटरी होती है, और बैटरी दोस्तों ये वायर पी जाती है, इसलिए बीप की आवाज़ नहीं आती, इसलिए एक दो दो बल्ब छोड़कर ही आपको चेक करना है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे चेक किया, अब अपन एक बल्ब मुझे ये ख़राब लग रहा है, इसे मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने ये चेक किया, इसे यहाँ पर देखिए दोस्तों बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों इस बल्ब को अपन चेक कर लेते हैं, यहीं पर दोनों अपन सुई लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन दोनों सुई लगा लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों आपको ये लगे कि ये बल्ब ख़राब है वहाँ पर दोनों सुई दोनों पॉइंटों पे लगाना है आपको और इससे चेक करना है। तो दोस्तों देखिए ये बल्ब ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये बल्ब ख़राब है। तो दोस्तों इससे पहले आप इसको यहाँ से इसे ऐसे काट के चेक कर लें ब्लड से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसे यहाँ पर इसे काट के इस तरीके से चेक करना है अपन को। पहले इसको बल्ब को फोड़ना नहीं है दोस्तों, शायद कभी कभी सुई सही नहीं लग पाती, इस वजह से चेक नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसको आप काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि अपन सुई कहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये इस तरीके से होता है, ये देखिए दोस्तों ये वायर एक इधर आते हैं, जब अपन इसमें सुई लगाते हैं दोस्तों तो अपन को वायर के बिल्कुल बगल से लगाते हैं दोस्तों, जब ये सुई इधर ऐसे जाती है इसमें और इससे ये टच हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे आप कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट होते हैं, और अपन दोनों जैसे कि सुई यहाँ से अपन एक सुई यहाँ पे रहती है दोस्तों, एक सुई अपन यहाँ पे इस तरीके से चेक करते हैं। तो सुई यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ने इसे काट लिया है, अब इसे अपन चेक करते हैं। ये बीप की आवाज़ आती है तो यानी कि ये बल्ब सही है। तो दोस्तों ये बीप बल्ब ख़राब हो चुका है, इसमें बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसे अपन यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, अभी जुड़ने के बाद दोस्तों अपने ये जोड़ दिया, अब यहाँ इस पर प्लग लगाते हैं अपन, ये पावर में इसे अपन प्लग लगाते हैं और देखते हैं अपनी झल्लर सही हुई कि नहीं हुई। तो दोस्तों देखा आपने ये झल्लर सही हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ख़राब झल्लर को घर बैठे सुधार सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस तरीके से कोई भी आसानी से किसी भी ख़राब झल्लर को बना सकता है। दोस्तों अगली वीडियो में आपको इस तरीके की झल्लर बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इसका तरीका थोड़ा अलग है, ये सादा बल्ब थी इसलिए मैंने आपको दिखाया, इसका थोड़ा तरीका अलग है। और दोस्तों इसका तरीका भी यहाँ पर आप देखेंगे, इसका तरीका भी ये अलग है। तो अगले वीडियो में दोस्तों इस तरीके की और इस तरीके की झल्लर बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और ध्यान रखना है दोस्तों, जहां आपने कट किया है यहां पर टैप आपको ज़रूर लगाना है, ये बल्ब काट के तार ज्वाइंट करके यहां पर टैप ज़रूर लगाना। धन्यवाद दोस्तों।